लंदन में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है वॉकी टॉकी बिल्डिंग। अब ये फेमस क्यों है? बिकॉज एक डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस वॉकी टॉकी, ये उसकी तरह से दिखती है। इसकी खासियत ये है कि ये अपने सामने पड़ी हुई चीज़ों को जला देती है। अब एक दिन इसने अपने सामने दुकान की डोरमेट को जला दिया और एक दिन इसके सामने कार खड़ी थी जिसके शीशे को इसने पिघला दिया। अब ये ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इसकी सरफेस के कारण जो कि कर्व्ड है। सो आइए हम समझते हैं कि ये कर्व्ड सरफेस होता क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक मिरर जो कि आपके और हमारे घर में मौजूद है। अब अगर इसे मैं आगे की तरफ मोड़ दूँ कुछ ऐसे, सो ये मिल जाएगा मुझे एक कर्व्ड मिरर। और ऐसे को अगर मैं पीछे की तरफ मोड़ दूँ तो मुझे मिल जाएगा दूसरा एक कर्व्ड मिरर, और इसी को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और पीछे वाले को कॉन्वेक्स मिरर। जनरली यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कॉनकेव मिरर किसको कहा जाता है और कॉन्वेक्स किसको। तो देखिए, जिस मिरर का अंदर का पार्ट शाइनिंग होगा, मतलब जिस तरफ हमें हमारी इमेज दिखाई देगी, उससे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर जिस मिरर का बाहर का पार्ट शाइनिंग होगा, मतलब बाहर की तरफ हमें इमेज दिखाई देगी, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। भला ऐसा क्यों? आइए देखें। अब देखिए, कॉनकेव मिरर क्या करेगा, अपने तरफ आने वाली सभी पैरेलल लाइंस को वो एक पॉइंट की तरफ झुका देगा, अंदर की तरफ मोड़ देगा। और अंदर की तरफ मोड़ना, उसे ही हम कहते हैं कन्वर्ज करना। और इसके उल्टा कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, अपनी तरफ आने वाली सभी पैरेलल लाइंस को, पैरेलल लाइट्स को वो बाहर की तरफ मोड़ देगा, यानी कि उसे डाइवर्ज कर देगा। और इसीलिए हम उसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे अलग अलग टाइप के मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर पे जितनी भी लाइट इंसिडेंट होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे सारे की सारे लाइट पैरेलल होगी। अब जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है, सो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जो लाइट जिस तरीके से आ रही है, अब आप देख सकते हो कि ये तीनों लाइट हमारे प्लेन सरफेस के साथ ज़ीरो एंगल बना रहे हैं। चलिए इसके लिए मैं सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। जी हाँ, तो ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है ये है हमारी नॉर्मल लाइन, और येलो और हमारे इंसिडेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ ज़ीरो एंगल बना रहा है। सो सीधी सी बात है कि रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो बनाएगा। सो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में हमारी लाइट चली जाएगी, कुछ ऐसे। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि अगर प्लेन मिरर में लाइट इंसिडेंट है और अगर वो पैरेलल है, सो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है एक दूसरे को। बट क्या कर्व्ड सरफेस में भी ऐसा होगा? आइए देखें। चलिए सबसे पहले तो हम कर्व्ड सरफेस की बनावट देख लेते हैं। जी हाँ, अब देखिए, मैं ले लेता हूँ एक प्लेन मिरर जिसका आगे का पार्ट शाइनिंग होगा और उसका पीछे का पार्ट पॉलिश होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके चारों कोनों को है ना आगे की तरफ मोड़ देता हूँ। अब जब मैं उसे आगे की तरफ मोड़ूंगा तो कुछ ऐसा शेप लेगा, बिल्कुल मेरे चम्मच जैसा। फिलहाल मुझे उसके हैंडल की ज़रूरत नहीं है। तो आप अभी देख सकते हो कि जब मैं इसके चारों कोनों को मोड़ूंगा आगे की तरफ तो वो एक चम्मच के जैसा शेप ले लेगा, जिसका अंदर का पार्ट शाइनिंग हो जाएगा और उसका बाहर का पार्ट पॉलिश्ड, यानी मेरी जो इमेज है वो अंदर की तरफ बनने वाली है। और इसी को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब देखिए, इसका जो अंदर का पार्ट है ना, ये गुफा बना रहा है, एक केव बना रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब देखिए, अगर मैं इसका फ्रंट साइड देखूं तो इसका फ्रंट साइड मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। मेरी जो इमेज है वो मुझे इसके अंदर यहाँ दिखाई देने वाली है। अगर इसी को मैं साइड से देखूं, वैसे तो हम देख ही रहे हैं बट एकदम साइड से, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। अब हर बार इतना अच्छा डायग्राम ड्रॉ करके अगर हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, हमेशा ये वाला डायग्राम यूज़ करेंगे। सो जहाँ भी ये आवेदन समझ जाना कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। आइए अब अपने ओरिजिनल चीज़ पर वापस चलते हैं। हमने लिया था एक
प्लेन मिरर जिस पे हमने कुछ लाइट इंसिडेंट करवाई थी. सो हमने ये देखा था कि अगर लाइट पैरेलली इंसिडेंट है सो वो रिफ्लेक्ट भी एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगी. लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या होएगा? देखिए कॉनकेव मिरर में भी सेम चीज़ फॉलो होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. चलिए मैं कोई एक लाइट इंसिडेंट इस पर ले लेता हूँ जो कि इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है. तो मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा और जो एंगल इंसिडेंट लाइट बना रही है उसी एंगल से उसको रिफ्लेक्ट करवाने वाला हूँ. अब देखिए ये जो लाइट है ना वो इस पूरे मिरर के इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है. देखा जाए तो पूरा मिरर तो कर्व्ड है लेकिन ये छोटा सा पार्ट जहाँ पे ये लाइन इंसिडेंट है ये वाला छोटा सा पार्ट ये देखिए ये तो काफ़ी फ्लैट रहेगा है ना. अब चले मैं यहाँ से नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेता हूँ. अच्छा फिलहाल ये देख लेते हैं कि ये जो छोटा सा पार्ट है ना ये है तो कवड़ी बट ये छोटा सा पार्ट एकदम फ्लैट रहेगा. क्यों? देखिए एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ. आप जब धरती पे चलते हैं धरती एक्चुअली है तो गोली बट जब हम उस पर चल रहे हैं तो हमें फ्लैट लगती है. क्यों? बिकॉज धरती जो है पूरे अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा है इसलिए वो हमें हमेशा फ्लैट लगती है. तो ये मेरी नॉर्मल और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट. सो मेरी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कुछ यहाँ से जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसे. अब आइए दूसरे की बात करते हैं. सो ये जो रे है वो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि नॉर्मल एक परपेंडिकुलर है और मेरी इंसिडेंट दोनों एक दूसरे से ज़ीरो डिग्री बना रहे हैं. सो जो मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी ज़ीरो डिग्री बनाएगी. इसका मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्टेड भी वापस वहीं चली जाएगी, कुछ ऐसे. अब आइए हम तीसरे की बात करते हैं. ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे भी मैं मेरा नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि मेरे सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा. सो आप देख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट सो वापस रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ ऐसी हो जाएगी. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह से लाइट आ रही है बट वो प्लेन मिरर की तरह नहीं हो रही है. प्लेन मिरर में क्या था भाई, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है एक दूसरे को पैरेलल है बट कर्व्ड मिरर में सारी की सारी लाइट कुछ ऐसी जा रही है कि वो सेम पॉइंट से पास होगी या हम कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो जाएगी. अब अगर मैं कुछ और इंसिडेंट लाइट ले लूँ सो उसकी भी रिफ्लेक्टेड लाइट वहीं से पास होगी जहाँ से पहले वाली पास हो रही थी. सो इंग्लिश में इसको एक वर्ड से डिनोट किया जाता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्ज. देखिए अगर सभी लाइट को एक ही पॉइंट से पास कराया जाएगा सो उसे कहते हैं कन्वर्ज कराना. और इस पॉइंट को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिसे कहा जाता है फोकस और उसे डिनोट किया जाएगा कैपिटल एफ से. क्योंकि ये कर्व्ड मिरर सभी इंसिडेंट लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस करा रहा है. अब सोचो कितनी ब्राइटनेस होगी क्योंकि ये सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पे आके टच हो रही है, यानी कि यहाँ पे कितनी हीट जनरेट हो जाएगी. सो अब आओ हम हमारे पहले वाले सवाल का जवाब देते हैं जिसमें हमने ये सवाल किया था कि कैसे ये बिल्डिंग अपने सामने पड़ी हुई चीज़ों को जला देती है. अब देखिए पहला रीज़न तो ये है कि ये जो बिल्डिंग है ये पूरी ग्लास से बनी हुई है तो इस पर जितनी भी सन रेस इंसिडेंट होगी उसमें कई सारी रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है. हाँ अगर ये मिरर से बनी होती तो ये सारी की सारी सन रेस को एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर देता बट फिलहाल ग्लास है सो ग्लास भी अपने तरफ आने वाली कई लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. अब देखिए ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है ना सो थोड़ी थोड़ी लाइट करके भी कई रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाने वाली है. अब दूसरा रीज़न इसका यह है कि इसकी जो सरफेस है ना ये देखिए ये मुड़ी हुई है यानी कि ये कर्व्ड है कुछ हमारे चम्मच जैसी, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर जैसा बन रहा है. तो यहाँ पे होगा क्या कि जितनी भी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी सन रेस इंसिडेंट होगी ये सारी की सारी सन रेस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाने वाली है, एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाने वाली है. जैसे कि होगा क्या इस पॉइंट पे ना काफ़ी हीट जनरेट होने वाली है और इसी की वजह से कोई भी चीज़ जो बिल्डिंग के सामने पड़ी हो उस पर है ना हाई इंटेंसिटी लाइट जनरेट होने वाला है और इसी वजह से ये हमारी बिल्डिंग इस पॉइंट पे पड़ी हुई किसी भी चीज़ को जला देती है. तो इस वीडियो में आज हमने ये देखा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर कैसे काम करता है. थैंक यू. तो आइए अब हम ले लेते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर जिसका बाहर का पार्ट शाइनिंग होता है. देखिए एक डिफरेंस हम यहाँ पे समझ लेते हैं.
पहले जो हमने देखा था कॉनकेव, उसमें अंदर का पार्ट शाइनिंग रहता है, बट अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स, जिसमें बाहर का पार्ट शाइनिंग रहता है। अगर हम कॉनकेव की वापस बात करें तो उसमें देखा था कि जितनी भी रेस इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती है। अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के समय जब लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा। तो देखिए, हमने क्या किया है, अभी हमने कई सारी लाइट को इंसिडेंट करा लिया है जो कि सारी की सारी पैरेलल है। अब जब ये इंसिडेंट हो रही है किसी भी एक पॉइंट पे, तो वापस हम वहीं पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे एंड हमारे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मैं मेरा नॉर्मल किस जगह पे ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूँगा। सो हमने पहले भी देखा था कि इंसिडेंट लाइट कर्व्ड मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उससे हम फ्लैट मान लेते हैं, और इसी का हमने एग्जांपल भी देखा था, एक सरफेस और अर्थ का एग्जांपल। तो कुछ वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं ना, हम ये वाली रे की रिफ्लेक्टेड लाइट ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट है वो मिरर के इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम क्या करते हैं ना, हम इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर होने वाला है, कुछ ऐसे। और देखिए, ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, वही एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट भी बनाएगा। मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री पे हम एक रिफ्लेक्टेड लाइट भी बना देते हैं, कुछ ऐसे। अब एक एक करके अगर मैं सारी रे को इसी तरीके से लेने लग जाऊं, सो सभी में मुझे ऐसे कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं ये रे की बात करूँ, वो मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो चलिए यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और मान लीजिए कि ये एंगल 20 डिग्री का है, सो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी नॉर्मल के साथ 20 डिग्री बनाएगा, कुछ ऐसे। अब ऐसे ही हम सभी रे की कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट देख लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जितनी भी लाइट्स पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि वो कोई भी डायरेक्शन में, हर अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का इंसिडेंट लाइट को अलग अलग जगह पे फैलाना, उसे ही हम कहते हैं डाइवर्ज करना, और इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, तो वो आने वाली इंसिडेंट लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहा था, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्ज करना। सो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये दो लाइट इंटरसेक्ट होकर कहाँ मिलेगी, तो आप बोलोगे कि भाई ये दो लाइट तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है, और आप बिल्कुल सही भी है। बट अगर मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक ही जगह पर मिल रही है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से सारी की सारी लाइट जनरेट हो रही है और अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। बट एक्चुअली ऐसा तो है नहीं, यहाँ से तो डाइवर्ज हो नहीं रही है, बट पीछे एक्सटेंड करने पे सिर्फ ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकस डिफाइंड है, जो कि मिरर के पीछे की तरफ है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।